लियन एबल को अपने बारे में काफी सारी बातें बता रही थी और एबल वो सुन ही जा रहा था। जो डीमन रिबेल करने वाले हैं, उन लोगों ने वो देख लिया कि वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट ही हो गया है, तो हमें इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। हम हमेशा तो इस हाफ रेट रीपर के अंडर काम नहीं कर सकते। लियन ने रात होने तक एबल से बातें की और जब सोने का वक्त आया तब उसे नींद नहीं आ रही थी। जब एबल उसके साथ होता है तब उसे अनोइंग लगता है, लेकिन जब वो टेम्पल से बाहर जाता है यहाँ नहीं होता तब उसे घुटन होती है। तभी उसने कुछ आवाज सुनी तो वो छुपके से बाहर गई कि वो आवाज क्या है। रिबेलियस टीम का सरदार है ऊडा, उसने ये पता करवाया कि एबल का रियल हार्ट कहाँ पे है। लियन ने ऊडा को ये कहते सुना कि भले ही वो हमसे स्ट्रांग हो, लेकिन उस हाफ रेट रीपर का अगर हम हार्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुन के लियन डरने लगी कि ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही ये लोग सच में रिबेल करने वाले हैं। तो फिर वो एबल के रियल हार्ट को प्रोटेक्ट करने की सोचती है, क्योंकि अगर एबल मर गया तो फिर वो भी मर जाएगी। वो जल्दी से उस रूम में पहुंची जहां पे एबल का रियल हार्ट रखा था। उसने बहुत ही दम लगा के वो भारी संदूक खोला, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में वो बॉक्स आया वहां पे कुछ जॉम्बी आ गए। जॉम्बी तो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, इसलिए लियन उसे चकमा देके भाग पाई। वो सोचते कि भले ही एबल हाफ रेट रीपर हो, लेकिन मैं उसे तुम सब के हाथों नहीं मरने देना चाहती। वो जॉम्बी से तो बच निकली, लेकिन उसे सामने उल्टा मिल गया जिसके साथ दूसरे काफी सारे डीमन भी थे। उन लोगों ने जैसे ही देखा कि लियन के पास एबल का हार्ट है, वो लोग उसे पकड़ने लगे। लियन भागने लगी और शॉक्ड थी कि इतने सारे डीमन रिबेलिंग में जुड़ गए हैं। पता नहीं एबल इतने वक्त तक इस जगह पे कैसे जिंदा रह पाया। वो भागे जा रही थी कि तभी वो किसी से टकराती है। वो सेपनिर था और पूछता है कि इंसान क्या हुआ। लियन ने उसे बताया कि वो लोग रिबेल कर रहे हैं, मेरी मदद करो। तभी जो लियन का पीछा कर रहे थे वो लोग वहाँ पे पहुँच गए और सेपनिर से कहा कि उसे दूर रहो, वो ग्रीम रिपर का हार्ट चुरा के भाग रही है। लियन चिल्लाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग उसका हार्ट चुराने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया है, तुम कह रहे थे कि तुम उसका हार्ट डिस्ट्रॉय कर दोगे। सेपनिर लियन से कहता है कि इंसान शांत हो जाओ। वो अपना फायर माना मीट करने लगा और सारे डीमन से कहा कि मास्टर इस इंसान की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, वही जज करेंगे कि कौन सच बोल रहा है। तब तक मैं इस इंसान को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ऊर्जा उसे रोकने की कोशिश करता है कि सेपनिर अगर तुमने इस इंसान को हमारे हवाले नहीं किया तो फिर हम तुम्हें भी गद्दार मानेंगे, लेकिन सेपनिर छलांग लगा के उड़ गया और कहता गया कि जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो। लियन उसकी तारीफ करती है कि तुम तो कमाल के हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डीमन उसका पीछा कर रहे थे तो लियन डरने लगी थी कि ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। सेपनिर कहता है कि इंसान मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी एक डीमन ने उसे पंजा मारा और वो दोनों नीचे गिर पड़े। उन दोनों की हालत खराब हो गई और उसके दुश्मन भी वहां पहुंच गए। वो लियन को धमका रहे थे कि हार्ट हमें दे दो, तुम एक स्टूपिड इंसान हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे हाथों से बच निकलोगी। लेकिन तभी एबल वहां पे पहुंच गया जो अपने पावर फॉर्म में था। सब उसे देख के पीछे हटने लगे। एबल पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एक डीमन कहता है कि माय लॉर्ड वो इंसान आपका हार्ट लेके भाग रही थी,